कूद जाऊंगा, फांद जाऊंगा, मर जाऊंगा, हट जाओ। सदाबहार फिल्म शोले का ये डायलॉग तो हर किसी के जहन में आज भी होगा कि कैसे वीरू का किरदार निभा रहे धर्मेंद्र बसंती से शादी करने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ जाते हैं और सुसाइड करने की धमकी देते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा रविवार को मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला, जहां एक लड़की नशे की हालत में पानी की टंकी पर तो नहीं, लेकिन हाँ शहर की सड़कों पर लगी विशाल होर्डिंग पर जरूर चढ़कर बैठ गए। वो भी इसीलिए क्योंकि वो अपने पसंद के लड़के से शादी करना चाहती। होर्डिंग पर बैठकर ये नाबालिग लड़की जो बड़े आराम से फोन पर बात कर रही है, ये मामला दरअसल इंदौर के परदेशीपुरा भंडारी पुल का है। ये लड़की अपने प्रेमी से शादी करने की जिद की वजह से होर्डिंग पर चढ़कर बैठ गई। सोशल मीडिया पर जैसे ही खबर आई, इस पर तरह तरह के ट्वीट्स की जैसे बौछार होने लगी। एक ट्विटर यूजर ने तो बाबा का ढाबा की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, शादी का खाना हमारे यहाँ से जाएगा। शिवानी केशरी नाम की ट्विटर यूजर ने लिखा, इसीलिए शोले को मैं सदाबहार फिल्म कहती हूँ, असर अब तक दिख रहा है। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, लोग कतई क्रांतिकारी हो रखे। आरोही त्रिपाठी नाम की ट्विटर यूजर ने लिखा, अगर धर्मेंद्र एक नाबालिग लड़की होते तो। एक और ट्विटर यूजर ने लिखा, वाओ दिस इज सो एम्पावरिंग, यू गो गर्ल, जी ले अपनी जिंदगी। अपने प्रेमी के साथ शादी करने के लिए इस नाबालिग लड़की ने जो तरीका अपनाया है, उसे देखकर सोशल मीडिया पर इसी तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। बहरहाल इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बारे में पूरी जानकारी देते हुए परदेशीपुरा के ही थाना इंचार्ज अशोक पाटीदार ने बताया कि सूचना मिली कि अपने भंडारी ब्रिज पर एक होर्डिंग लगा, उस पर एक लड़की चढ़ गई है, जिससे जहाँ पर स्टाफ को भेजा गया, जो प्रारंभिक उससे बातचीत की, उसका कहना था कि मुझे एक लड़के से मैं प्यार करती हूँ और मेरी उससे शादी करा दी जाए। प्रारंभिक तौर पे उसको समझाइश देकर उतारने का प्रयास किया गया और बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन जैसे ही पुलिस चढ़ती थी वहाँ पे तो वो कूदने का प्रयास कर रहे थे। बाद में उसको समझाइश देके उसके प्रेमी का नंबर लेके उससे फ़ोन लगाया था, उसको बुलाया और उसको ये समझाइश दी गई कि तू जो चाह रही वो बातचीत करके जो भी उचित होगा वो करेंगे। उसके बाद करीबन 30 से 45 मिनट की मशक्क़त के बाद वो उतरी और उससे पूछताछ में थाने लाए गए तो ये पता चला कि वो किसी लड़के से प्यार करती है और आज उसकी माँ उसकी अन्यत्र शादी कराना चाह रही थी और लड़के ने मना कर दिया। इसी बात से नाराज होकर होर्डिंग पे चढ़ गई थी। अभी उसकी लड़की की माता को बुलाया था और लड़के के भाई अपने बहन और जीजा को बुलाया था, तो आपस में चर्चा हुई तो उसमें लड़की की माँ और लड़की भी मान गई और बाद में जब भी बालिग हो जाएगी उसके बाद उसने अपनी पसंद से शादी करने का ऐसा माँ बोल के ले गई है उसको, और लड़के को भी उसके जीजा और बहन के साथ जाने दिया। आपको बता दें, अभी कुछ ही दिनों पहले यूपी के प्रयागराज से भी एक ऐसी ही खबर आई थी, जहां इंसाफ की मांग को लेकर एक वकील का पूरा परिवार पानी की टंकी पर चढ़ गया था। परिवार के सदस्यों का कहना था कि गांव के दबंग उन्हें परेशान कर रहे और उन्होंने उनके भाई को किडनैप कर लिया, लेकिन पुलिस प्रशासन उनकी कोई मदद नहीं कर रहा। इस घटना का भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बहरहाल इस नाबालिग लड़की ने अपने पसंद के लड़के से शादी करने का जो तरीका अपनाया, उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।